राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है जल संसाधनों का संरक्षण। जल की कमी, स्थानिक और ऋतुवत असमानता, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से जल संसाधन का संरक्षण आवश्यक हो गया है। इस दिशा में पहला कदम वर्षा जल संग्रहण और इसके अपवाह को रोकना है। दूसरा कदम है छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों के जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन। तीसरा कदम है जल को अप्रदूषित रखना। वर्षा जल संग्रहण, यह भौम जल के पुनर्भरण को बढ़ाने की तकनीक है। इस तकनीक में स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्र करके भूमि जल भंडारों में संग्रहित करना शामिल है, जिससे स्थानीय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य ये हैं। पहला, जल की निरंतर जल मांग को पूरा करना। दूसरा, नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रवाह को कम करना। तीसरा, सड़कों पर जल फैलाव को रोकना। चौथा, भौम जल में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना। पांचवा, भौम जल प्रदूषण को रोकना। छठा, भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना। सातवां, मृदा अपरदन को कम करना। आठवां, ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना। भौम जल के भंडारों के पुनर्भरण की कम लागत वाली अनेक तकनीक अब उपलब्ध हैं। इनमें से छत के वर्षा जल का संग्रहण, खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण, हैंडपंपों का पुनर्भरण, रिसाव गड्ढों का निर्माण, खेतों के चारों ओर खाइयां और छोटी छोटी सरिताओं पर बंधिकाएं और रोक बांध बनाना विशेष उल्लेखनीय है। ये तकनीकें देश के लिए नई व्यवस्था नहीं है, प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। जल संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रमाण भी मिलते हैं। नहरों, तालाबों, तटबंधों और कुओं के रूप में जल संग्रहण होता था। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में छतों के वर्षा जल और झरनों के जल को बांस की नलियों द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता था। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भौम जल के भंडारों के उपयोग के लिए कुएं और बावड़ियां बनाई जाती थीं। राजस्थान में छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसित कुओं में जमा कर दिया जाता था। जल संरक्षण के लिए सारे देश में तालाबों का निर्माण एक लोकप्रिय उपाय था। इन संरचनाओं के नवीकरण
और आधुनिकीकरण से न केवल जल भंडारण की सुविधा होगी अपितु विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के उपयोग की क्षमता में भी वृद्धि होगी। जल संभर विकास। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गांव, कृषि योग्य और कृषिक अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की जोतें और किसान शामिल हो सकते हैं। जल संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान कृषि, वानिकी और वन वर्धन का समग्र रूप में विकास किया जा सकता है। भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम कृषि ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जल संभर विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे हीन संसाधन वाले क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। वर्षा पोषित क्षेत्रों तथा संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में परितंत्रीय ह्रास को रोका जा सकता है। साथ ही साथ इससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। जल संभर प्रबंधन का महत्व हरियाणा के सुखो माजरी गांव के अनुभव से समझा जा सकता है। जल संसाधन की समस्या। जल संसाधनों की समस्याएं विविध प्रकार की हैं। ये उपलब्ध, उपयोग, गुणवत्ता और प्रबंध से संबंधित हैं। यदि उपयोग का वर्तमान प्रतिरूप और गति जारी रहती है, तो भारत को उपयुक्त गुणवत्ता वाले जल की अपनी भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने में संकटपूर्ण अभाव का सामना करना पड़ेगा। उपलब्धता की समस्याएं। पृष्ठीय जल की कुल अनुमानित उपलब्ध मात्रा 1869 अघमी है। इसमें से केवल 690 अघमी ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। यदि इसमें भौम जल की 450 अघमी मात्रा जोड़ दी जाए तो कुल योग 1140 अघमी हो जाता है, जो उपयोग के लिए उपलब्ध है। एक परंपरागत अनुमान के अनुसार भारत में सन 2025 में 1050 अघमी जल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर देश में जल की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हम इस तथ्य की उपेक्षा भी नहीं कर सकते कि भारत में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है। 1951 में ये 5514 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर रह गई। कुछ प्रदेशों में जल संसाधनों का बाहुल्य है तथा कुछ में कमी है। पूरे वर्ष नमी की कमी वाले प्रदेशों में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मैदानों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग, पश्चिमी गुजरात तथा पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल हैं। इसी प्रकार ऋतुवत भिन्नताएं भी जल की आपूर्ति की समस्याएं पैदा करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अधिकांश भाग में जल की कमी अनुभव की जाती है। इसके साथ ही वार्षिक और ऋतुवत वर्षा में अत्यधिक परिवर्तनशीलता है। इसी कारण से संभावित जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति में संतुलन होने के बावजूद देश में प्रादेशिक और ऋतुवत उपलब्धता
अनुकूल नहीं है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। जल संसाधनों का संरक्षण। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी नीतू तिवारी। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।